2019 में यशराज बैनर तले एक बड़ी फिल्म का निर्माण होता है। फिल्म का नाम था वॉर। वॉर की धमाकेदार सक्सेस के बाद सभी ने इस फिल्म के अगले पार्ट यानी वॉर 2 की कयास लगाई थी। और अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जद्दोजहद को दिखाया गया था और फिल्म में इन दोनों के किरदारों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। साथ ही फिल्म के कलेक्शन ने भी सभी को हैरान कर दिया। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि वॉर फिल्म में अभिनेता ऋतिक रोशन ने मेजर कबीर ढालेवाल का किरदार निभाया, जो कि एक रॉ एजेंट होता है। वहीं दूसरी ओर अगर मुंबई मिरर की हालिया में एक रिपोर्ट की बात करें तो वॉर 2 में अब शाहरुख खान और सलमान खान की भी एंट्री हो सकती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण भी है। टाइगर सीरीज भी यशराज बैनर तले बनी है और टाइगर सीरीज में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान पहले ही रॉ एजेंट का किरदार निभा चुके हैं। उनके किरदार का नाम था अविनाश सिंह राठौर और टाइगर सीरीज के दोनों ही पार्ट्स को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। वहीं दूसरी ओर यशराज की फिल्म शाहरुख खान की पठान की बात करें तो इस फिल्म में भी वो एक रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगे और आतंकवादी मंसूबों को नाकाम करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वॉर 2 बनती है तो बतौर कैमियो अपीयरेंस के तौर पर ऋतिक का साथ सलमान खान और शाहरुख खान दे सकते हैं, वो भी रॉ वाले किरदार में, जैसे कि सूर्यवंशी फिल्म में होने वाला है। सूर्यवंशी फिल्म में कॉप यूनिवर्स के तहत अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो अपीयरेंस सूर्यवंशी फिल्म में देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते ये फिलहाल फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर वॉर 2 बनती है तो वॉर 2 में सलमान खान शाहरुख खान अपने रो वाले किरदार में नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है वॉर 2 देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अब अगर इन सभी फिल्मों की तरफ नजर डालें तो सलमान खान को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले वो राधे फिल्म की शूटिंग को निपटाएंगे और माना जा रहा है कि 2020 की ईद के लिए सलमान खान टाइगर 3 को लॉक कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान की पठान फिल्म की बात करें तो जॉन अब्राहम के साथ वो शूट के लिए निकल चुके हैं। और इसी बीच में मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं वॉर फिल्म के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सौगात लेकर आया है। अब आपको इस पूरी खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही आप वॉर 2 में ऋतिक के साथ सलमान खान शाहरुख खान का कैमियो अपीयरेंस देखना चाहते हैं या फिर नहीं, कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।